आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। तो हमने इससे पहले कुछ क्लासेस में एक्सेल के पिवट और पावर क्वेरी के बारे में पढ़ा, कुछ चीजें पढ़ा, लेकिन हम वापस अब बात कर रहे हैं पावर पिवट के ऊपर, सॉरी पावर बीआई के ऊपर। हम रिटर्न करते हैं पावर बीआई के ऊपर और हम पावर बीआई आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? ठीक है सर। तो पावर बीआई की बेसिक कंसेप्ट तो आप लोगों को पता ही है, मैंने इससे पहले क्लासेस में बता ही दिया था। आप सबके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर भी होगा, हाँ जी, है ना? हाँ सर, हाँ सर। चलिए तो हम पावर बीआई डेस्कटॉप को लॉन्च करेंगे। और क्या आप लोगों ने पावर बीआई की आईडी बना रखी है माइक्रोसॉफ्ट पे जाके, साइट पे जाके? हाँ जी। क्योंकि आईडी बनाने से क्या होगा कि आप पावर बीआई की डेटा को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आप सबके सामने देख रहे हैं, सबसे पहला विंडो आपको खुल, जब भी आप पावर बीआई आएगा, अगर आपने पावर बीआई को साइन इन कर लिया है तो, अगर आपने पावर बीआई को साइन इन नहीं किया होगा तो आपको साइन इन वाला विंडो आएगा। लेकिन साइड में यहाँ पे आपको गेट डेटा और रिसेंटली जो सोर्स होते हैं वो आएगा। इसके अलावा न्यू फॉरम ब्लॉग एडिटोरियल आता है एवरी टाइम, आप इसको जो है क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा पावर बीआई का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बनाएंगे। तो इसमें देख लीजिए पहले चीजें, इसके चीजें देख लीजिए कि आपकी कैनवेस एरिया क्या है और सर्च क्या है। आपका कैनवेस एरिया दिख रहा होगा जिसमें हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। ये आपका नोट्स एरिया है, यहाँ पे आपके फिल्टर्स है, यहाँ पे आपके विजुलाइजेशंस है, यहाँ आपके डाटा फिल्ड होंगे, राइट सर? तो हमने इससे पहले हमने बता रखा है आपको कि कैसे रिपोर्ट बनती है, क्या बेनिफिट्स है, ये चीज आप जानते हैं पहले से। तो हम पावर बीआई के चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर होता है डेटा कनेक्टिविटी, हाउ कैन डेटा इन द पावर बीआई। जैसे आपने पीवी पावर बीआई को खोला था उसी समय जो आपका पहला विंडो आया था उससे पावर बीआई को कनेक्ट कर सकते थे, या फिर यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है? गेट डेटा पे आइए, यहां से आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा को कनेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे चीजें हैं, देख लीजिए क्या है। जैसे मैं इसको ओपन किया तो हमारे पास एक तो आ गया एक्सेल का पार्ट, दूसरा आ गया पावर बीआई डेटा सेट, आ गया पावर बीआई डेटा फ्लो, एसक्यूएल सर्वर, टैक्स बेव, डेटा फीड, ब्लैंक क्यूरी, या मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डेटा भी कनेक्शन विजार्ड आ जाएगा, ठीक है? तो डेटा आप किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं, अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर फाइल से कनेक्ट करना है तो फाइल आप एक्सेल फाइल, टेक्स्ट या सीवीएस फाइल, एक्सएमएल फाइल या जेसन फाइल, या कोई पर्टिकुलर फोल्डर, या पीडीएफ या सिलपॉइंट का फोल्डर से आप आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो फोल्डर का मतलब क्या हुआ, फोल्डर की जितनी फाइल लिस्ट है उसका डेटा आ जाएगा। डेटाबेस की बात करें तो हम डेटाबेस की जो कनेक्शन होती है वो हमारा एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस, एनालिसिस सर्विस, ओरेकल, आईबीएम का डेटा, MySQL का डेटा, PostgreSQL का डेटा, या आपका Sybase डेटाबेस, SAP, और मोस्टली जो बहुत सारे जो डेटाबेसेस होते हैं वो सारे डेटाबेस आपके सामने यहाँ दिख रहा है, राइट सर? अब बात करते हैं पावर प्लेटफॉर्म, मतलब कि पावर बीआई की सर्विसेज है। तो एक तो आपका पावर बीआई का डेटा सेट, दूसरा आपका पावर बीआई का डेटा फ्लो या कॉमन डेटा सर्विसेज जो पावर बीआई की तरफ से है, या पावर प्लेटफॉर्म डेटा फ्लो, ये चार चीज जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अजूरे, जैसे कि लिनक्स होता है ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे है, अजूरे डेटा सेट डेटाबेस है, तो उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट सर? राइट। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज है, इधर ऑफलाइन मैंने बताया आपको, ऑनलाइन सर्विसेज है जैसे कि आपकी शेयर पॉइंट है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, या डायनेमिक्स 365 है, या
एनएवी होता है या फिर 365 है बिजनेस कंट्रोल है, ये आपका अजूरे कंज्यूमर है, अजूरे का है, सेल्स फोर्स है, ग्लोबल एनालिटिक्स है, फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे आपके ऑनलाइन डेटा सर्विसेज हैं। इन सबों के अलावा आप अदर पे आते हैं तो कुछ अदर जैसे वेब पेज को आप लेना चाहते हो या किसी ओडी डेटा फीड को लेना चाहते हो या ओडीवीसी लेना चाहते हो या आर की स्क्रिप्ट को लेना चाहते हैं, पैथन स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लैंक क्यूरी अपने हिसाब से क्यूरी बनाना चाहते हैं या आपकी ब्लैंक क्यूरी, तो ये आपका समझ में आ गया कि आप अपने एक्सेल के डेटा किस किस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पावर बीआई पे डेटा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। यस सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब हम बात करते हैं आप फाइल पे, तो एक एक करके कनेक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल की फाइल की, ठीक है, एक्सेल की फाइल को लिया और यहां से हमने कनेक्ट कर लिया और अपने एक्सेल की फाइल को लीजिए एंड ओपन। ठीक है, अब इसकी इस फाइल के अंदर जितने भी डेटा शीट्स हैं वो डेटा शीट्स को लिंक कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो ताकि आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कस्टमर डेटा एंड प्रोडक्ट डेटा तो सेल्स, तीन चीज को आपने लिया और आपने लोड कर लिया तो आपके सामने तीन डेटाबेस आ जाते हैं। तो आप एक्सेल के डेटा फाइल को एक या एक से डेटा को आप एक से ज्यादा डेटा को भी आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे तो आपको यहां रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। ये देखिए यहां पे आईडी, कस्टमर की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट आईडी इस तरह की आईडी है, बट इसमें सेल्स आया नहीं। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ही नहीं। एक से ज्यादा रिलेशनशिप को आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐड करने बस आपका यहां से गेट डेटा में डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल और उसको लिंक कर, एक सीट या एक से ज्यादा सीट, एक से ज्यादा सीट जब लिंक करेंगे तो आपको आपस में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके पास सीएसवी फाइल, सीएसवी फाइल समझते क्या होता है, क्योंकि एक्सेल पे तो बहुत सारे हम काम करेंगे तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। अब बात करते हैं सीएसवी फाइल, सीएसवी फाइल को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सीएसवी का फाइल का डेटा देना पड़ेगा, या टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल जो भी होता है वो देना पड़ेगा और फिर इसको आप ओपन करना होगा। अब यहां देखिए आपके सामने डेटा आ गया, एक बार डेटा को वेरीफाई कर लीजिए कि आपका यही डेटा है या आपने गलत डेटा ले लो, फिर इसको आप लोड कर दो। आपके सामने डेटा आ गया, ठीक है, फिर अगर आप इसमें एक्सएमएल फाइल, अब आपके पास एक्सएमएल फाइल समझते क्या होता है। हेलो, हाँ सर, हाँ जी सर, क्या होता है सर, एक्सेल की फाइल होती है ना सर? नहीं, एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल क्या होती है, बहुत सारे वेबसाइट के अंदर में एक्सएमएल फाइल
जो डेटा होती है वो डेटा एक्सएमएल के फॉर्मेट में जाता है। ये एक्सएमएल का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, एक्सएमएल के फॉर्मेट में होता है, समझे? तो एक्सएमएल के फॉर्मेट में जो होता है डाउनलोडिंग सिस्टम नहीं है इसमें, मैं एक में करता हूं। कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे कि यहाँ पे आपके जो पेजेज है उस पेज में जो डेटा है उस डेटा इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो जिस पेज का चाहिए उस पेज, मतलब कि आप पूरा पीडीएफ का डेटा आप नहीं ले सकते, पीडीएफ में से किस पेज का डेटा लेना है ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है सर? यस सर। अब यहां पे आपके सामने फाइल पे हो गया। अब शेयर पॉइंट फोल्डर था बट मेरे पास शेयर पॉइंट है नहीं, बट आपको बताता सर। कुछ बोले सर? स्क्रीन आपकी सर इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले की आ रही है, स्क्रीन चेंज कर लीजिए।